नमस्कार दोस्तों, तो आप देख ही रहे होंगे आज का जो हमारा वीडियो है वो पढ़ाई से कुछ हटकर है, क्योंकि अब जो समय आ गया है वो ये नहीं दर्शा रहा है कि पढ़ाई करने का कोई मतलब रह गया है। आप सभी बेरोजगार लोगों को इस बेरोजगार भरी दुनिया में बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ, आज की जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो इतनी बुरी स्थिति से या फिर युवाओं को इतने गंदे स्थिति से देख रही है जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। आप लोग सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्विटर कंपेनियन में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे रीट्वीट करें, ताकि हमारे सरकार को ये समझ में आए कि वो युवा नहीं रहा है जिसे आप इतने सालों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। अब ये युवा है जो ये जाग गया है, जो ये अब वो युवा हो गया है जो ये बिहार की क्रांति को स्टार्ट किया था, अब वही युवा फिर से जाग चुका है। अगर हम युवाओं का दर्द अगर देखा जाए तो युवाओं का दर्द वो क्या जाने जिसका कोई औलाद ही नहीं है। युवाओं का दर्द तो उससे पूछे ना जिसका औलाद है, जिससे आप 500-500 रुपये फॉर्म का फीस लेते हैं और ये बोलते हैं कि 400 रुपये बाद में लौटा दिया जाएगा। कब लौटा दिया जाएगा इसका कोई जिक्र नहीं है। युवाओं का दर्द उस बाप से पूछिए जो कि 400 रुपये किसी और से उधार लेकर आपको पैसा दे रहा है कि मेरा बेटा रेलवे में सरकारी नौकरी करेगा, लेकिन उस सरकारी नौकरी का आप पे कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 5 साल से फॉर्म भरवा रखे हैं एनटीपीसी का, जिसका कि कोई आगे आने वाले दिन में जिक्र नहीं है। आपको टेंडर नहीं मिल रहा है। लोकसभा चुनाव हुआ था मार्च 2019 में, अप्रैल 2019 में चुनाव हुआ था और अप्रैल 2019 में 55 करोड़ लोगों को आप वोटिंग करवाए थे, 55 करोड़ लोगों को वोटिंग करवाए थे, उसका एक महीने में आप लोगों ने रिजल्ट दे दिया, चुनाव करा लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन वही मार्च 2019 में जो 90,000 पोस्ट के लिए रेलवे की वैकेंसी आप लोगों ने दी थी, उसका आज तक आप लोगों से एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी नहीं मिल रही है। क्या तमाशा बना रखा है लोगों ने इसका एकदम से? मतलब हर एक चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है, लेकिन अब वो लिमिट भी लिमिट क्रॉस कर चुका है। मतलब एक चीज की जो लिमिट है वो लिमिट को, और लोग कहते क्या है कि खिलौना बनाकर देश चलाइए, खिलौना बनाकर आत्मनिर्भर बनिए। अरे भैया, आत्मनिर्भर बनना ही है तो आप एमएलए को क्यों नहीं आत्मनिर्भर बना देते हैं? एमएलए को आत्मनिर्भर बना दीजिए ना, जो काम नहीं करता प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप। सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चों को हायर कर रही है, जिसकी सैलरी 40,000 होनी चाहिए उसकी सैलरी 10,000 है। अरे देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है तो एमएलए को क्यों नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर ले रहे हैं? अगर काम कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको लात मार के बाहर निकाल दीजिए। मतलब तमाशा बना रखे हैं। रेखा कुमारी एक दिन भी सांसद नहीं जाती है, सचिन तेंदुलकर एक दिन भी नहीं जाते हैं, राज्यसभा के 6 महीने से पैसा ले रहे हैं, तो ये कौन सा है? उनको लात मारकर बाहर निकाल दीजिए ना। अब बीएसएनएल के कर्मचारी को जबरन रिटायर कर रहे हैं, क्यों? जबरन रिटायर ही देना है, जबरन हटाना ही है, तो सचिन तेंदुलकर को हटा दीजिए, जो कि वहां जाके फ्री का पैसा खा रहे हैं। जनता जो टैक्स दे रही है, खून पसीने की कमाई दे रही है, उसका आप मतलब कि एकदम से फालतूगिरी में पैसा बर्बाद किए जा रहे हैं। ये कौन सा भाई साहब, ये कौन सा आत्मनिर्भर भारत आप बना रहे हैं? मतलब जो बच्चा है जिसको आर्टिकल 1 से लेकर लास्ट तक याद है, वो बच्चा ग्रुप डी का तैयारी करे, और जिसको आर्टिकल का ए भी नहीं पता है वो संसद में बैठ के देश चलाए। बाहर बाहर तमाशा, क्या मतलब मजाक बना रखा है लोगों ने। और ऊपर से मतलब ये है कि आज ये होगा, आज वो होगा। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं। मन की बात में क्या बताया जा रहा है? मन की बात में बताया जा रहा है जो ज्वलंत मुद्दा है अर्थव्यवस्था और रोजगार, उस पर कभी चर्चा ही नहीं हुआ है। मन की बात में बताया जा रहा है कि आप कौन सा नस्ल का कुत्ता पालिए कि जिसमें नस्ल में कुत्ता पालने से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देश का प्रधानमंत्री इस पोस्ट पे बैठ के ये बता रहा है कि कौन सा नस्ल का कुत्ता पाले लोग। मतलब अर्थव्यवस्था रोजगार पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। मतलब बेरोजगारी सीमा जो था वो कहां से कहां पहुंच चुका है। सरकार ने आए दिन बेरोजगारी का जो आंकड़ा होता है उसको दिखाना खत्म कर दिया है। भैया कौन सा दुख है? आप सब कुछ इंडेक्स दिखा रहे हैं, सब इंडेक्स दिखा रहे हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा बोलने इसका कोई जरूरत ही नहीं है। और उसके बदले में आप तर्क दे रहे हैं कि जितना लोग ग्रेजुएशन पास किए हैं और जितना लोगों को नौकरी लगा है माइनस कर दीजिए तो बेरोजगारी निकल जाएगा। अरे भैया बेरोजगारी निकालिए ना, जब हाथ पे तो उंगली नहीं बचेगा जीरो गिनने के लिए कि आप कितना बेरोजगार गिन पाइएगा। मतलब तमाशा की हद हो चुकी है। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आज तक मैं कोई वीडियो नहीं कहता हूं कि शेयर करने, लेकिन इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। साथ ही साथ ट्विटर कंपेनियन में भाग लीजिए और इस योजना को सफल बनाइए। ये आप लोगों के लिए ही है, बेरोजगार लोगों के लिए ही है। जब तक आप लोग नहीं जागिएगा जब तक इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार वोट मांगने आती है, आप एकदम से बायकॉट कीजिए, एकदम से बायकॉट कीजिए कि नहीं, जब तक रोजगार नहीं जब तक वोट नहीं। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर सरकार यह चाहती है कि सब लोग पढ़ी लिख जाएगा तो सरकार के रैली में कौन जाएगा? सब लोगों को रोजगार ही मिल जाएगा तो 300 रुपया में वहां झंडा लेकर गांधी मैदान में खड़ा कौन होगा? ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। मतलब केंद्र सरकार का भी वही हाल है। हमारी अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, बिहार गवर्नमेंट का, तो बिहार गवर्नमेंट का तो भी वही हाल है। बिहार गवर्नमेंट का देख लीजिए, बीएसएससी
जो कि 2014 से एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रही है 2020 तक इंटर लेवल का। बिहार दरोगा, देखिए स्टूडेंट के साथ कितना पॉलिटिक्स किया जा रहा है, इस चीज़ को समझिए। पहले 2000 वैकेंसी आई बिहार दरोगा के लिए, उसका अभी मेंस नहीं हुआ है कि फिर से 2000 वैकेंसी आ गई प्री के लिए। अब क्या होगा कि जो बच्चा 2000 और 2000 में भरा है वो 1000 बच्चा कॉमन हो जाएगा, जिसका रिजल्ट होगा वो 1000 बच्चा। फिर वो ज्वाइन कितने को कराएंगे, 3000। ऑन पेपर दिखाएंगे कि वो 4000 लोगों को रोजगार दिए हैं, 5000 लोगों को रोजगार दिए हैं। ये मतलब एकदम से, मतलब जिसको कहा जाता है कि राजनीति अपने गंदे लेवल पे चली गई है, वो गंदे लेवल पे आ गया है। आप भैया नोटबंदी कर सकते हैं, एनआरसी ला सकते हैं, तो फिर बेरोजगारी पे क्यों नहीं तो तमाशा दे रहे हैं। जनसंख्या कानून, जनसंख्या कानून क्या है? जनसंख्या कानून, आज जो जनसंख्या अगर आप कानून बनाइएगा तो इसकी स्थिति आपको 20 साल बाद संभलेगा। आज का जो युवा बेरोजगार बच्चा घूम रहा है उसका क्या है? उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आप लोगों के पास। मतलब एकदम से, अगर बात करते हैं मीडिया का, तो मीडिया को तो कोई मतलब ही नहीं है, नौकरी से कोई मतलब ही नहीं है, रोजगार से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपना टीआरपी बढ़ाना है। उसको रिया चक्रवर्ती का किसके साथ अफेयर था, विराट कोहली का कब, विराट कोहली की वाइफ को कब डिलीवरी होने वाला है, अनुष्का शर्मा कब माँ बनने वाली है, यही सब सारी चीज़ें उसको मीडिया को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टीआरपी बढ़ाना है, उसको रोजगार से कोई मतलब नहीं है। मीडिया हमारा एक स्तंभ माना जाता था, लेकिन वो स्तंभ आज अपनी पूरी गरिमा को मतलब एकदम से धो दिया है। अब आ गया है ये समय कि जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है उसका अंजाम आप ही लोगों को देना है। आप अपने आप को इस स्तर पे मत लेके जाइए कि कोई भी आए और आपकी भावनाओं के साथ खेलकर और एक चला जाए। अब वो टाइम आ गया है कि गरम दल और नरम दल में विभाजित हो, और ये इसका जो कुछ भी होगा इसका कुछ ना कुछ समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा। डोनेशन के टाइम पे, अभी कुछ दिन पहले हमारा भारत स्थिति से गुजर रहा था कोविड-19 से, मोदी जी के एक कहने पे, हमारे प्रधानमंत्री जी के एक बार कहने पे, जो बच्चा के पास 10 रुपया भी था वो भी पीएम केयर फंड में डिनोट किया। क्यों? क्योंकि हमारा भारत आगे बढ़े और हमारा भारत विश्व में अच्छा नाम करे। लेकिन उन लोगों को इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये सब चीज़ से उन लोग परे उठ गए हैं। भाई साहब, मैं आप लोगों को, प्रधानमंत्री जी को हाथ गोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि कलम पे राजनीतिक मत कीजिए, स्याही को स्याही ही रहने दीजिए। अगर स्याही खून में बदल गया तो ये अच्छा नहीं होगा।